हाँ जी, क्या हाल चाल? बढ़िया सब यार। कपड़े गंदे होते हैं और कपड़े गंदे होने के बाद फिर धोने की बारी आती है। ऑब्वियसली गंदे होंगे तो धुलेंगे भी, बट जब धुलेंगे तो कौन सी साबुन या कौन सा सर्फ यूज़ होगा? अब कपड़े धुलते हैं, ज़्यादातर आप मशीन में धो रहे हो या फिर हाथ से धो रहे हो, किसी भी चीज़ में आप धोगे तो उसमें साबुन लगेगी ज़रूर। और साबुन क्या वहाँ पर सर्फ यूज़ होता है कपड़े धोने के लिए? आसान रहता है कि पूरी बाल्टी में या ऐसे मशीन में डाल दिया और कपड़े ऐसे धुल रहे हैं, बट कौन सा सर्फ यूज़ करा जाए? यार मार्केट में इतने सारे सर्फ आ रहे हैं, कोई सर्फ नहीं वॉशिंग पाउडर आ रहे हैं। सर्फ तो सर्फ एक्सेल हो गया, तो ऐसे वॉशिंग पाउडर बहुत सारे आते हैं, वॉशिंग पाउडर, निरमा, ऐसे इतने सारे हैं कि किन में कौन सा अच्छा है, कौन सा खराब है, कौन सा कपड़े ज़्यादा साफ करता है। टीवी पे ऐड तो आपने देखा होगा कि ऐसे व्हाइट शर्ट है, ऐसे आई साबुन सी और एकदम वो व्हाइट चमक गया, ऐसा होता है टीवी के ऐड में, बट रियल में क्या होता है वही चीज़ चेक करने वाले आज यहाँ लाइव आपको पता चल जाएगा कौन सा वॉशिंग पाउडर ज़्यादा अच्छा है। तो वॉशिंग पाउडर कौन कौन से हमारे पास? तो ये सारे वॉशिंग पाउडर हमारे पास, निरमा जिसका बहुत ऐड देखा होगा आपने टीवी पे, और सर्फ एक्सेल, सर्फ सर्फ करते हैं अभी मैं भी बोल रहा था, सर्फ तो सर्फ एक्सेल हो गया, एक हैंको आता है ये है, और व्हील, व्हील का बड़ा पैकेट नहीं मिला हमें, छोटा मिला है, तो व्हील हो गया, और रिन, रिन है, टाइड है, फैना है। तो हमारे पास ये है सारे वॉशिंग पाउडर, तो खुल भी गया, तो ये सारे है। अब इनमें सबसे अच्छा कौन सा है, कौन सा कपड़े को बिल्कुल एकदम साफ कर देगा? अब ये पता करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कपड़ा, वो भी सफ़ेद, सफ़ेद पे तो पता चलेगा असली गंदा भी उसको करेंगे और फिर साफ भी उसको ही करेंगे। कैसे साफ कपड़े के लिए हमने लिया ये रहा, ये वाइट कपड़े लिए हमने सब एक साइज़ के, तो सबको ऐसे गंदा करेंगे और हर वॉशिंग पाउडर को एक दे देते हैं कपड़ा, एक ये रहा हमारे पास। ये लास्ट में हम इससे चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे, एकदम नया कपड़ा बिल्कुल वाइट तो एकदम बिल्कुल साफ कौन सा कर देगा, यही चीज़ चेक करेंगे। अब इन कपड़ों को हमें गंदा भी करना पड़ेगा, नॉर्मल जो कपड़े होते हैं वो कहाँ का गंदे होते हैं, बहुत सारी चीज़ों से गंदा होता है, बट जो कॉमन चीज़ें वो हम लेके आ गए, तो वो सारी कॉमन चीज़ क्या क्या है? एक तो ऑयल, तेल लगता है कपड़ों पे गंदे करता है, कैचअप और इंक, पेन जो यूज़ करते हैं इंक लग जाती है कपड़ों पे, नॉर्मल स्कूल में तो बहुत सारे दाग स्कूल कॉलेज में इंक के लगते हैं, और बाहर खेलते हैं तो मिट्टी, मिट्टी के दाग होते हैं, और ये सिरका, ये तो भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक दाग देता है ये, तो इससे इन सब चीज़ों से कपड़ों को गंदा करेंगे, फिर साफ करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो पहले सब कपड़ों को इकट्ठा करके एक साथ गंदा कर देते हैं, वॉशिंग पाउडर हटा देता हूँ मैं फिलहाल। तो ये रहे सात कपड़े, अब इन पे सब कुछ बराबर डालेंगे, तो अब इनके ऊपर सारी चीज़ डाल दी हमने, मिट्टी डाल दी, रेड सॉस डाल दिया, इंक डाल दी, सिरका डाल दिया, ये बहुत ज़्यादा गंदे होने वाले हैं, अब देखना। तो अब देखो कपड़े पूरे गंदे हो चुके हैं, ये देखो ये रहा इतना गंदा है, पीछे इंक और आगे से कैसे हैं, ये सब के सब ऐसे ही गंदे हो रहे हैं, ये देखो सब इक्वली सबको गंदा करा है, किसी में ऐसा नहीं है कि कोई कम गंदा हो या कोई ज़्यादा है, देखो सब बिल्कुल बराबर गंदे हो गए ना। अब हमें क्या करना, इसको और ज़्यादा गंदा जितना कर सकते हैं। अब थोड़ी देर इनको ऐसे ही रहने देते हैं, जो दाग हैं, जो जितना भी हमने गंदा करा है ना वो ऐसे सूख जाए तो अंदर तक चला जाएगा, वो पूरे गंदे कपड़े ऐसे होते हैं ना, कपड़े गंदे हुए हम तुरंत तो नहीं धो देते, गंदे होते हैं फिर वो ऐसे रुक जाते हैं, जो दाग है वो सूखता है, गहरा होता है, वो थोड़ा टाइम देते हैं ना कपड़ों को थोड़ा सूखने का। तो काफ़ी देर तक हमने इन्हें ऐसे छोड़ दिया। अब ये जो बचा हुआ है ना, आपको लग रहा होगा ये पानी है, पानी नहीं है, देखो तेल है ये, ये तेल है सारा। तो इनको सबको एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा गंदे लग रहे हैं अभी मुझे, वापस से ग्लव्स ही पहन लूँ, ये ज़्यादा गंदे कर देंगे। तो ग्लव्स आ गए हम रेडी, अब हमें क्या चाहिए, अलग अलग बर्तन एक, तो हर कपड़े के लिए अलग बर्तन आ गया है, अब इनको डालना शुरू करते हैं, एक इसमें, एक इधर, इधर, सब कपड़े जा चुके, अब इनमें पानी, थोड़ा पानी और ला दे यार। तो अब सब में एक एक चम्मच वॉशिंग पाउडर जाएगा, शुरुआत करते हैं इधर से,
तो एक एक चम्मच डाल दिया हमने। जो वॉशिंग पाउडर यूज़ करा है बहुत ज़्यादा करा है, मतलब एक चम्मच इतने से कपड़े में डलता नहीं है, फिर भी हम एक्सट्रीम तक लेके जा रहे हैं कि एक चम्मच डालने के बाद भी साफ कर पाएंगे नहीं। अब इसको थोड़ा मिक्स कर देते हैं। तो वॉशिंग पाउडर चला गया, पानी है, अब बस इसको थोड़ी देर रखना है क्योंकि जब हम मशीन में कपड़े डालते हैं वो घूमती रहती है, काफ़ी देर तक डूबा रहता है। तो इनको ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं, हम ऐसे ही छोड़ते हैं इनको 10 मिनट के लिए, इनको ऐसे छोड़ देते हैं, फिर देखते हैं कितने साफ हुए हैं क्या है बाकी, और थोड़ी देर में रगड़ लेंगे। अभी 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं इनको ऐसे ही छोड़ के। तो यार 10 से भी ज़्यादा मिनट हो गए, लगभग 15 मिनट हो गए हैं इनको ऐसे रखे रखे। अब देखते हैं क्या असर आया, किस किस में कैसा कैसा है। हाँ थोड़ा फर्क तो है। तो बस इनको बिल्कुल एकदम साफ पानी में निकाल देते हैं एक बार। तो सबसे पहले था इधर जो रखा हुआ है निरमा, निरमा वाला कपड़ा देखते हैं। बट पानी थोड़ा गंदा हो गया, पानी को चेंज कर लेते हैं एक बार। ये टाइड वाला यहीं पे रखा है। कहाँ से भरा था यू? तो पानी चेंज। अब लास्ट हमारे पास जो बच रहे थे टाइड वाला, ये था बाहर रख लिया था मैंने इसको। लास्ट में है व्हील, तो अब देखते हैं। ओके हीरा व्हील वाला, और अभी तक जो मुझे लग रहा है यार सबसे ज़्यादा साफ व्हील वाला ही है। ये व्हील है और ये इसको मैं ऐसे रख देता हूँ ऊपर, अब डिसाइड कर लो। तो ये मैं अब आपके ऊपर छोड़ता हूँ। सबसे पहले इधर व्हील है, ये फैना है, ये टाइड है, और ओवरलैप कर गया क्या? हाँ एक ये वाला, ये हैंको, ये सर्फ एक्सेल, ये रेन और निरमा। अब आप देख लो, आपको पता चल गया होगा कौन सा कपड़ा सबसे ज़्यादा वाइट है, कौन सबसे ज़्यादा धुल के एकदम क्लीन हुआ है, किस पे दाग बचे हैं, किस पे नहीं बचे, सब कुछ एकदम अभी विजिबल हो गया होगा आपको। तो देखिए आपने कपड़े कितने साफ हुए हैं। ये रहा व्हील वाला, जिसे मैं बोल रहा हूँ कि मुझे जो सबसे सही सबसे साफ लग रहा है वो अभी ये लग रहा है, बाकी अभी देखते हैं। एक ये है और इधर था ये फैना वाला, ये फैना वाला कितना साफ है अब देख लो। और एक ये टाइड वाला, ये रहा टाइड, टाइड वाला ज़्यादा साफ लगा नहीं वैसे मुझे। अब टाइड के बाद आया ये हैंको, हैंको का भी ठीक है, अच्छा खासा साफ़ हो गया हैंको से भी। ये रहा हैंको का, और सर्फ एक्सेल, ये रहा सर्फ एक्सेल ने भी काफ़ी हद तक ठीक किया है, काफ़ी साफ हो गया सर्फ से भी, बट जो इंक के दाग है वो अभी भी बच रहे हैं। रेन, रेन वाले ने भी करा है, काफ़ी ठीक ठीक करा है। ये रहा, और ये निरमा, हाँ निर्मा ने भी कर दिया, बस इंक के दाग नहीं गए किसी से भी, पूरे इंक के दाग एकदम साफ नहीं हुए। ये रहा निर्मा। तो मैं किसी को भी विनर नहीं बता रहा, किसी को भी ऐसे ख़राब नहीं बता रहा, क्योंकि जो नया कपड़ा था ना जब हमने ऐसे गंदा करा था वो ये रहा, और इसके कंपैरिजन में ये देख लो बाकी सब जो थे, जो सबसे ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ ये रहा व्हील वाला। ये तो फ़र्क तो है, काफ़ी फ़र्क आया है। अब ये सूखा भी है, गीले हैं, थोड़ा फ़र्क इसलिए भी लग रहा होगा, सूखने के बाद शायद और डिफरेंस आए। बट ये जो करना था ना, ये पूरा टेस्ट ये मैंने आप लोगों के लिए कर दिया कि आपको ऐसे पता चल जाए कि कौन सा वॉशिंग पाउडर कितना साफ करता है। सब पे सेम दाग थे, सेम अमाउंट ऑफ हमने ये डाला था वॉशिंग पाउडर, सब में इक्वल था, इक्वल टाइम दिया, सब बिल्कुल एकदम बराबर तरीके से धुले हैं। तो अब आपको पता चल गया कि कौन सा साफ है कौन सा नहीं। मैं नहीं बता रहा इस चीज़ का आंसर कि मेरा जजमेंट क्या है, वो छोड़ दो, अब आप बताओ। पूरी वीडियो आपने देखी है, सब कुछ आपके सामने हुआ है, तो आप बताओ आपके हिसाब से विनर कौन है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो में अगर मज़ा आया हो, कुछ ना कुछ नॉलेज मिली आपको, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करोगे तो इतनी हेल्पफुल जो वीडियोज़ होती हैं वो आप सब देख पाओगे और आपका ही फायदा है। तो मिलेंगे दोबारा नई वीडियो में कुछ नया करते हुए, तब तक के लिए बाय बाय।